पुलिसकर्मियों पर फायरिंग करने वाले आरोपियों को लोकल क्राइम ब्रांच ने अलग अलग जगहों से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि 31 दिसंबर की रात उरल पुलिस स्टेशन के मांजरी और हथरून के बीच गश्त कर रहे पुलिस कर्मचारियों पर अपराधियों ने फायरिंग की थी। घटना के बाद SP बच्चन सिंह ने घटनास्थल का दौरा किया और पुलिस पर हमला करने वाले आरोपियों को ढूंढने में सख्त आदेश दिए। इसी क्रम में लोकल क्राइम ब्रांच ने 5 आरोपियों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर लिया है। मामले में SP बच्चन सिंह ने कहा कि पुलिस पर हमला करने वाले अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अकोला से शाहिद इकबाल की रिपोर्ट। 30 दिसंबर की रात को उरल पुलिस स्टेशन की एक पेट्रोलिंग गाड़ी पर कुछ बदमाशों की तरफ से फायरिंग की गई थी। उस गुनाह को डिटेक्ट करना और उसमें आरोपी को निष्पन्न करना एक बड़ा आह्वान पुलिस की तरफ था। इसके बारे में स्थानीय गुनाह शाखा और लोकल पुलिस स्टेशन सर्व प्रयासरत कर रहे थे। कल उनके प्रयासों की जानकारी के लिए घटनास्थल भेंट देकर हमारी तरफ से कुछ निश्चित निर्देश दिए गए। कल रात्रि इसके बारे में एक बड़ा ऑपरेशन किया गया जिसमें कि LCB के 4 अधिकारी 28 अमलदारों ने सहभाग लिया एंड गुना में 5 आरोपी जिनका सहभाग मिला उनको ताबे में लिया गया है। इसके अलावा गुने में यूज की गई 2 गाड़ी उसको भी सीज किया गया है। इसके अलावा आगे की तपास शुरू है। इसमें विशेषतः इन आरोपी की तरफ से और कोई तरह का गुना किया गया है क्या और गुना में जो वापर किया हुआ वेपन है वो कहां से लेके आए उसके बारे में आगे की तपास की जाएगी। इसके अलावा गुने में 307 कलम का बढ़ा दी गई है। हमारी तरफ से एक सबको आह्वान है कि पुलिस की ओर किसी भी तरह का हल्ला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निश्चित ही बहुत ज्यादा कठोर कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाएगी। 30 दिसंबर